क्लियर हो गया यहाँ तक कि अब कोई और फॉर्मेट पे आ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे, मैं सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ ई कॉमर्स, जो हमारा असल वेंचर है। ई कॉमर्स को नहीं देगा तो हम कोई प्रोडक्ट का निकाल लेंगे। आप सर भी देखें कि आपने एक फेसबुक अच्छा एक पेज बनाया हो और आपको उसपे रोजाना के 8-10 इस तरह के बैनर्स बनाए एक 1.5 घंटे के अंदर, उसके ऊपर कोई टाइटल उसके लिखें, कुछ डिस्क्रिप्शन लगा दें आप और उसको पोस्ट करते रहे, एटलीस्ट आपका पेज अंगेज रहेगा, आपका जो ग्राफिक्स है जो व्यूअर है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये टेम्पलेट सारे वैसे इसके अंदर इतना सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक ऐसी होनी चाहिए, आपने आप लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं फेसबुक के, जो रिसेंट एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है LWA 2019 का, उसमें आपने देखा होगा 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले हमने लाइव एक क्लास की थी, उसके अंदर तमाम लोगों ने, जितने लोग बैठे हुए थे कोई 25 से 24 लोग थे, सबने लाइव कैनवा के ऊपर 1-1 घंटे के ड्यूरेशन में डिफरेंट बैनर्स बनाए और उसको अपलोड किया, सबको सिखाया एक एक तरीके से गया था, लेकिन सब ने डिफरेंट एंगल से जो समझा वो बनाया और कुछ ने इतना आउटस्टैंडिंग बनाया कि मुझे भी उनसे कुछ पूछना पड़ गया। तो उन्होंने इसको सिर्फ टाइम दिया, आपको ये सिर्फ टाइम मांगता है एक्सप्लोर करने का, बाकी ऑप्शंस वही हैं जो आपको चीजें सिखा दी गई हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं आपको कोई टास्क आपको मैं दे देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको टास्क करना चाहिए, आप चीजों को बनाएं 3-4 डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में। तो सबसे मजे का फॉर्मेट है ना इसमें, आप अगर मेरे से पूछें तो वो सिर्फ और सिर्फ जी एक ही है, प्रेजेंटेशंस। यहाँ पे नहीं आएगा ये वाला जी, इसके अंदर आपको ना इतना प्रोफेशनल टेम्पलेट मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, और एक नहीं फिर आपको 20-20, 25-25 मिलेंगे हर डिजाइन के अंदर, हर थीम के अंदर, पूरा थीम इन्होंने डिजाइन किया होता है। थीम समझते हैं आप लोग क्या होता है? थीम ये होता है कि जैसे कोक फेस्ट, कोक का एक फेस्टिवल आ रहा है लाहौर के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, तो उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, उसमें उनके सिंगर्स होंगे, उसमें लोगों के स्टॉल्स होंगे, उसमें पब्लिक के रिव्यूज होंगे, अबाउट होगा, उसकी डेट्स होंगे, अनाउंसमेंट होंगे, तो वो 10-12-15 सफों की एक प्रोफाइल बनती होती है ग्राफिक्स में, क्रिएटिविटी उसको हम कहते हैं, क्रिएटिव सॉरी। ठीक है, तो वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, की नोट प्रेजेंटेशन, कोई पब्लिक फिगर है कोई उस पर आना चाह रहा है। ठीक है, आप देखें आपको सिर्फ पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, सिर्फ पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, हर चीज में वेल एक्सप्लेन्ड है, आप पावर पॉइंट पर सिर्फ चलाना है आपको और आपकी चीज या सर्विस वो सेल है या एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आपको इसमें करना, आपको सिर्फ या आप देखें आपको इतना अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिल सकता है कि आपकी सोच है। ठीक है, जो आपको ना गूगल से मिल रहा है, ना फेसबुक से मिल रहा है, ना एडोब के टूल से मिल रहा था, ये बेसिकली आपको कंटेंट मिलता है, आपको सिर्फ कंटेंट को रिफर्निश्ड करना है। अब ये कलर स्कीम्स हमें नहीं पता लगेंगे, नेवी ब्लू के ऊपर व्हाइट रंग का फॉन्ट अच्छा लगता है कि नहीं, व्हाइट रंग का लगता है तो फिर फॉन्ट कौन से स्टाइल में अच्छा लगता है, फिर कौन से साइज में अच्छा लगता है। ठीक है, ये सिर्फ यही चीजें ग्राफिक्स में देखी जाती हैं। आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे मैं क्या आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। मैंने भी रिसेंटली समझ लें कि कोई 38,000 का ऑलमोस्ट मिनिमम भी 32-35 का मैंने काम 2 से 3 घंटे में इस टूल के थ्रू मैंने रिसेंटली किया था। ठीक है, और वो उनके नजदीक ये काम वेरी प्रोफेशनल था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैकएंड पे कौन सा टूल यूज हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि मैं कैनवा पे कर रहा हूँ, ना उनको ये पता है कि मुझे तो डिजाइनिंग नहीं आती, ना मुझे कोई टूल यूज करना आता है, लेकिन मैंने कैनवा के ऊपर जब से काम में 7-8 महीने हो गए हम कर रहे हैं, तो आप इस काम को प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हैं 100%, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक दफा एक एक टेम्पलेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब मुझे सर आप में से ये बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो अपना कोई जाती काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा अभी,
अपनी भी फील्ड, अपनी भी इंडस्ट्री इसमें डिफाइन कीजिए। जी प्लीज, बिल्कुल प्रोफेशनल काम कर सकते हैं भाई फाइवर पे। फाइवर पे किस किस्म का काम आता है? फाइवर पे काम आएगा जी आपको फेसबुक का पेज कवर बना दें, आपने वही टाइटल अपलोड करना है, वही गिग अपलोड करनी है जो कैनवा पे आप काम कर सकते हैं। आपने ये गिग ऑफर नहीं करनी कि आप प्रेसिंग करके दे सकते हैं, या आप कोई लोगो लगाओ ऊपर किसी कंपनी का उसको रिमूव करके दे सकते हैं। ये दो तीन चार किस्म के टेक्निकल काम है जो आप इस पे नहीं कर सकते, बाकी सारे काम आप इस पे कर सकते हैं। जो चीज स्क्रैच से क्रिएट करनी है ना आपको, वो आप काम इस पे कर सकते हैं। जो चीज ऑलरेडी हुई होगी, हैपन हुई होगी, उसको एडिट करना पड़े, उसको रिमूव करना पड़े, वो आप नहीं कर सकते। क्लियर है? आप मुझे कोई चीज अभी बोले आपको ये बनानी है, मैं बना के दिखाऊंगा, या मैं आपको बोलूं तो आप लोग बना के दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना। लेट्स सपोज अभी ये रिसेंटली मेरी कैंपेन चलने वाली है मेहमान नवाज की, ये बेसिकली मेरी वाला का स्टार्टअप है, ये कुकिंग क्लासेस का, और पिछले 1 साल से बड़ा सक्सेसफुल कर रही हूँ। तो अब जरा मैं सोच रहा हूँ कि उनके काम को मजीद उठाया जाए। तो मैंने क्या किया, मैं ऑफर बैठा, मैंने किसी डिजाइनर को पे नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं पिछले 8 महीने से किसी डिजाइनर को पे नहीं कर रहा, मीन हायर नहीं किया मैंने किसी को, किसी एक को भी। सारा ग्राफिक्स मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैंने तो सीख लिया। अब ये मैं ना सीखता, मेरे पास 20-25-30 हज़ार रुपये महीने के ऊपर 2-2.5 साल में बंदों को हायर करके काम करवाता रहा हूँ। ठीक है जी, फाइबर पे प्रोफाइल बनाना नहीं, आपको फाइबर का एक गिफ्ट आपको देंगे, वो आपको मैं अगले सेशन में आपको दे दूंगा। अभी आप देखें जी, ये मैंने स्क्रैच से बनाई, ये कोई टेम्पलेट नहीं है, ये कोई टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट था सॉरी, ये वाला हिस्सा उस टेम्पलेट के अंदर गिवन था, बाकी सारा हिस्सा ऊपर से मैंने रिमूव किया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। ठीक है, अब ये बैनर नॉन प्रोफेशनल तो नहीं है, कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं निकाल सकता, अलाइनमेंट सारी सही है, कलर स्कीम्स मैच हो रही है। ठीक है, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो गया। ठीक है, थीम आ गया नीचे कुकिंग से रिलेटेड, और क्या चाहिए आप मुझे बताएं। यही चीज आपके अपने बिजनेस में काम करनी है, इसको ई कॉमर्स के लिए ना सीखें, इसको ग्राफिक्स को इसको आप मल्टीपल पर्पजेस के लिए सीखें। क्या आप फाइबर पे सर्विसेज दो, फेसबुक पे दो, ओलेक्स पे जाके दो, ऑफलाइन को प्रिंटिंग प्रेस में दो, यूएसए के मार्केट में फाइबर पर उसके थ्रू आप लोग दें, अपना कोई काम है उसको आप पूरी पूरी वेबसाइट खुद ही डिजाइन आप कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट के स्लाइड और अबाउट टर्म्स उसके ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, पूरी सोशल मीडिया की टूल किट आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझने के लिए मजीद अगर आपको समझना तो मुझे आप वो पॉइंट्स बताएं कि क्या चीज समझनी है, मजीद कुछ ये आप देखें। ये एक बड़ा कोई एक्सपो हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, ठीक है, ये देखें, ये हमारा हमारा हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमें जो चीजें आई हुई है देखें, हर चीज एडिटेबल, हर चीज एडिटेबल है। ठीक है, आपको सिर्फ चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, बस कंटेंट हो लिखने के लिए, थीम कलर स्कीम स्टाइलिंग फॉन्ट साइजेस वो सब ऑलरेडी सेट है। कि आपके साथ एक डिजाइनर बैठा है 24 घंटे का, आपको सिर्फ उसको बताना है कि यार ये चीजें डाल दो उसमें, बस दैट्स ऑल। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर जी? ये कोई वैलेंटाइन का कोई हो, कोई ऐसा कोई इवेंट हो, कोई फेस्टिव हो, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जी आप ये देखें जी, मल्टीपल आपकी मतलब आपको आपके जहन में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आपने बनाना क्या है या आपने दिखाना क्या है। ठीक है, ये आप देखें, हर चीज एडिटेबल है, ये देखें अलग पिक्चर है। ठीक है, मैं इसको चलें डल कर देता हूँ, इसको भी मैं डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपलोड्स में। अपलोड्स में आने के बाद मैंने इस मैडम को यहाँ पे डाला। ठीक है, अभी मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इनकी पिक्चर्स को डाल रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको इंसर्ट किया इधर, इनको किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यार ये पिक्चर्स ना इनकी ना रीएडजस्ट होने वाली, मैंने क्या किया, मैंने उस पिक्चर का आप साइज छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह साइज छोटा करेंगे तो राइट साइड से आपको वो इमेज शो हो जाएगा जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, तो आपने
स्क्रॉल डाउन कर लिया उसको, ठीक है। आप इस पे आ जाओ, डबल क्लिक करना है आपने तो वो इफेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें आ जाए, ये आपकी पिक्चर लग गई, ठीक है। ये आप इसमें आ जाए जी, पिक्चर लग गई, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको इधर करें और आप इसको ओके कर दें, पिक्चर आपकी आ गई, पिक्चर एडजस्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब आपने कैच अस लाइव ऑन LWE एट 10 PM 25th Feb, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं। अब ये चीज आप देख रहे हैं, ये स्पेसिंग आपने बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लें, ये दो लाइंस में आ जाए, ठीक है। डिफरेंट आप इसको, अब आप चाह रहे हैं ये कलर आप, सॉरी ये वाला आपको हिस्सा चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड में आ जाए। एक ऑप्शन ये कि कलर यहाँ पे अवेलेबल है ऊपर, ये मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर आप, मैं ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, कुछ भी लगा देता हूँ, ठीक है। अभी ये कलर लगाओ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड पे आऊँ और मैं मजीद कोई HD, कोई क्रिएटिव, कोई मल्टी, कोई बैकग्राउंड लगाऊँ अट्रैक्टिव सा, तो मैं इस पे सिर्फ क्लिक करूंगा जी। ये आप देखिएगा, मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया है, ठीक है। क्या किया जी, मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने मुझे वो फॉर्म दे दिया। मैं जो सा चाहूंगा उस पर क्लिक करता जाऊंगा, वो उसको रीएडजस्ट करके मुझे देता जाएगा, ठीक है। जो मेरी कलर स्कीम के साथ सूट करेगा मैं उसको ओके कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी कलर स्कीम के साथ सूट कर रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो येलो कलर है, मैं आऊंगा दोबारा, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गई जी आपको, कुछ मैं जो डिफरेंट चीजें मैं यूज कर रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ और भी बनाना पड़े तो इशू ना आए उसमें। बैकग्राउंड आप उसमें चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे मजे का जो फैक्टर है वो लाइन्स कह रही, आप सिर्फ लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। जब आप लाइन्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी मजे की लाइन, अब ये लाइन आ गई, सपोज कर लेंगे एक, तो मैं ये लाइन इधर लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दी इधर, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये साइज बड़ा कर लूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि मेरा जो बीच वाला टेक्स्ट है वो इफेक्ट ना हो। फिर मैंने जो इसमें जो सबसे मजे का फैक्टर है वो इसकी सबसे ऊपर वाली लाइन है जी। इस लाइन के थ्रू आप स्केचिंग कर सकते हैं इस पे, जो डॉट पे काम हम करते होते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये रोटेशन है इसकी, जिस एंगल पर रोटेट कर लें इसको, ठीक है। जब आप बैनर को क्रिएटिव बनाना है ना, तो आप फिर इसके थ्रू आप ये आपने कर लिया, साथ इसकी एक कॉपी निकाल लें। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन से एग्जैक्ट वो चीज निकल आएगी, ठीक है। क्लियर, ये चीज थोड़ी सी मुझे इसको ये यूनिक बनाया। आप लाइंस डाल लो, जो मर्जी बनाना चाहो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं। अब आप आ जाए एलिमेंट्स में, शेप्स में, शेप्स में आने के बाद आप आ जाए जी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं वैसे ही आपको एक ट्रायल उसमें करा रहा हूँ कि हमें डिफरेंट चीजों को, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, अगर हमें जोड़ के कुछ बनाना पड़े हम उस पर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ आप डाल दें। अब आप कह रहे हैं जी ये जो मैंने डिजाइन इधर बनाया है या इधर भी हो, उसका हल ये है कि भाई आप इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी किया तो वो चीज एज इट इज आ गई, दोबारा इधर मैंने उसको रोटेट किया उस एंगल पे दोबारा, एक सेकंड, ये एंगल आ गया इधर, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इधर लगा दिया, एक मैंने दोबारा कॉपी किया उसको और फिर मैंने लगा दिया इसको इधर, ठीक है। बीच वाली स्पेसिंग का ध्यान रखना आपने। इसको कॉपी किया मैंने, इस साइज को मैंने छेड़ूंगा, मतलब ये मैं वहां से अब उस पिक्चर को इम्पोर्ट नहीं कराया मैंने, ये जो साइज मैंने खुद ही एडजस्ट किया हुआ था, मैंने इसी को उठाया कि मेरा डिजाइन इफेक्ट ना हो। एक मिनट,
थोड़ा सा इसका एंगल खराब है कि ये एंगल जरा ऊपर है, ये डाउन है, ये आपको जरा दो तीन दफा घुमाकर इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक डिजाइन बन गया, ठीक है। इसको आप ब्लैक कलर कर दें, ठीक है। ये आपकी शेप बन गई, और ऐसे आप डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखना चाहें तो फिर भी ओके। जी क्लियर है जी, कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज, इसमें कोई सवाल मजीद है आप पूछने वाला तो बताएं मुझे, ठीक है। कुछ भी क्रिएट कर लो यार इस पे, ठीक है। लाजमी नहीं कि काम हो तो हम करें, आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे मजे की जो शेप है, मैं आपको कुछ शेप्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके लिए रैंडम काम आएंगे आपको आगे, बस हम इसको ऑब्सेशन ग्राइंड कर रहे हैं इस शेप के साथ। क्या आपने कोई मैसेज कन्वे करवाने कुछ करवाना तो वो आप ऐसे ही शेप दे सकते हैं, SMS टाइप, व्हाट्सएप टाइप, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शेप है ये वाली, ठीक है। अब सपोज कर लें ये मैंने एरो रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, मैंने इसको रिमूव कर दिया, और मैं इसको ले आया इधर, ठीक है। इसको मैंने इधर ऐसे कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये भी एक शेप है, इसमें भी अपने मैसेज को लिख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। क्लियर है जी? ये आप सिर्फ आप शेप्स को देखेंगे ना, आपका बैनर अपने आप बनता जाएगा। आप एक दफा इसको केस स्टडी जरूर करें, इसके फर्क टाइम में होगा। ये एक एक एरो अगर आपको एडोब में बनाना पड़े ना, तो आपको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। जो एडोब के भी लोग होंगे ना, जो जानते हैं उनको बेहतर पता है, हर चीज बनी हुई है इधर, ठीक है। ऑल सेट,